बेटर कम्युनिटी फॉर ऑल कनाडा पाकिस्तान आवाज़ फाउंडेशन यूके दी लोगोस इंटरनेशनल पाकिस्तानी पास्टर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर जूम मीटिंग का एहतमाम किया जा रहा है। इस मीटिंग में पाकिस्तानी मसीहों का पाकिस्तान की तरक्की में अहम रोल पर तकारीर होंगी। वहीं पर मिली नगमे दुआएं और पाकिस्तान की तरक्की में मसीहों का किरदार पर प्रेजेंटेशन पेश होगी। बिशप एडविन रियाज दीगर पास्टर के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगेंगे। इस मीटिंग में गेस्ट स्पीकर होंगे डॉक्टर बिशप पैट्रिक अगस्टीन ऑफ अमेरिका, डॉक्टर नेल्सन अजीम MNA पाकिस्तान, अकरम मसीगिल एक्स फेडरल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मुफ्ती आशिक हसैन, रेवरेंड डॉक्टर अरशद शमाउन, भगत लाल खोखर, यशवा यूनस, आमिर बशीर और बहुत सारी दीगर शख्सियात होंगी। अपनी मधुर आवाजों में मिली गीत पेश करेंगे सरनाज चौधरी, शाहीन मेहदी, नायला अशबील, मिशाल अंसर और अलमास राज। इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे डेविन जोयल भट्टी को होस्ट, पैट्रिक सरोज को प्रेजाइडर, नादिया आतिफ, फरहत साजिद और प्रेजेंटेशन वसीम विलियम करेंगे। इंटरनेशनल पाकिस्तानी पास्टर एसोसिएशन के चेयरमैन डेविन डॉक्टर आसिफ ऑर्थर शुरका को वेलकम कहेंगे। ये प्रोग्राम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 20 अगस्त रात 8 बजे और कैनेडा के टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू होगा। जूम आईडी 8838676961 और पोस्ट कोड 294884। एक बार फिर आपको बताते चलें कि जूम आईडी 8838676961 और पोस्ट कोड 294884 है। कैथलिक चर्च जाम के चीमा में जश्न आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में आने वाले मेहमानों का ढोल की थाप पर पुरतपाक और शानदार इस्तकबाल किया गया, जबकि होनहार बच्चों ने फूल और पत्तियां निछावर की। इलाकाई रवायात को महफूज खाते रखते हुए मेहमानों को माला पहना कर उन्हें वेलकम किया गया। रेवरेंड फादर विक्टर सवेरा ने खसूसी शिरकत की। जर्नलिस्ट जावेद कुल ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए मसीहियों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। शमाली वजीरिस्तान ने फौजी काफले पर होने वाले खुदकश हमले का एक और जख्मी अलमास मसीह अस्पताल में दम तोड़ गया। अलमास मसीह CMH में जेर इलाज था। अलमास मसीह की आखिरी रस्मात पंजाब के जिला लिया के इलाके फतेहपुर में अदा कर दी गई। फैसलाबाद में तुलबा पर इंसानियत सोच तशद्दुद के केस में मुलजम माहम समेत 5 मुलजमान को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजमा माहम को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया, जबकि दीगर 4 मुलजमान असगर मुस्तफ़ा, तैयब और फैजान का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत को पुलिस ने बताया कि मुकदमे के मरकजी मुलजम शेख दानिश को अदालत में पेश नहीं किया गया, क्योंकि वो दूसरे मुकदमे में एक और थाने की पुलिस की हिरासत में है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दानिश पर थाना खड़ियावाला में मनशिया बरामदगी का मुकदमा दर्ज है। चेयरमैन PMUC जाहिद नज़ीर भट्टी ने अपने बयान में जे सालिक से सवाल किया है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अकलीती नशिस्तों पर इलेक्शन होना चाहिए, ये कितने जजों की सजेशन थी? कौम को बताएं आपने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस किस प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट किया। उन्होंने मजीद कहा कि क्या आपने कौमी असम्बली और सियासी पार्टियों के सरबराहान को ये फैसला अरसाल किया या उनसे मुलाकातें की और जे सालिक को याद करवाया कि लाहौर में प्रेस क्लब के सामने आपने मुझे बताया था आप इस फैसला पर कौमी असेंबली 2018 के सिलेक्शन से पहले कानून साजी कराएंगे, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि सजेशन थी। अब जरूरत इस बात की है कि आप पाकिस्तान आ जाएं, लोहा गर्म है, सब मिलकर चोट मारते हैं, काम हो जाएगा, क्योंकि अब हर शख्स इलेक्शन नहीं इलेक्शन हल्का बंदियों के साथ मांग रहा है, मगर पुराना फरसुदा निजाम जुदागाना इलेक्शन नहीं चाहते।